मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें तो मतलब आप तो वर्ल्ड के टॉप 6 मार्शल आर्ट्स में से एक्सपर्ट्स में से एक हैं। तो अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक मतलब मुझे उसका प्रोनंसिएशन करना नहीं आता, चलेगी लेकिन हाँ उसके आप बहुत अच्छे से उस विद्या को जानते हैं। और बता दें, ये जो विद्या है या ये जो फॉर्म है मार्शल आर्ट की, ये भगवान कृष्ण के टाइम से है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, और दर्शक भी, मैं कि बहुत किस तरह इम्प्रेस्ड हूँ। पहले की। तो आपने इतनी अच्छी रिसर्च की है। जी सो वर्ल्ड में कोई भी मार्शल आर्ट है, चाहे वो कुंग फू हो, चाहे वो कराटे हो, चाहे वो जूडो हो, जिजित्सु, जितने भी हैं, कपुएरा हो, वो सब इसी मार्शल आर्ट से निकले हैं, जिसे कलरीपयट कहते हैं। और ये हिंदुस्तान की मार्शल आर्ट है एंड साउथ में ज़्यादा इसका प्रचलन हुआ है। और एक इंसान थे जिनका नाम था बोधिधर्मा, जो हिंदुस्तान जी से उठ के चाइना गए थे और उन्होंने शाओलिन टेम्पल शुरू किया था। ओके सो ये हिंदुस्तान के ही आर्ट है जो वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट हुई है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इसका ज्ञान है। और ये मार्शल आर्ट सिर्फ आपको लड़ना नहीं सिखाती है। नॉर्मली लोग होते हैं, अरे मार्शल आर्ट है, लड़ो। ये आपको आपको मेडिसिन, ह्यूमन बॉडी, आपको हीलिंग के बारे में पहले सिखाती है, उसके बाद अटैक करना सिखाती है। इसीलिए इसकी शिक्षा बहुत जल्दी जल्द करनी शुरू पड़ती है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की एक एक कोशिका के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जी सो एक ऑथेंटिक मार्शल आर्टिस्ट कलरीपयट का आपको सिर्फ मार नहीं सकेगा, आपको बचा भी पाएगा, आपको हील भी कर पाएगा। मैं वंस इन अ मंथ ऑन अ संडे आई हैव पीपल हु कम टू माय हाउस जिनकी बैक एक्स 20 साल से कम नहीं गई हैं, नी एक्स नहीं गई है, डॉक्टर्स ने बोल दिया MRI कराओ, ये कराओ। अगर आपको बॉडी का ज्ञान है तो आप उसको हील कर सकते हैं। सिर्फ मैं नहीं, सब, सिर्फ खेल ज्ञान करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना